Dear Gupta, going to teach R class 10 mathematics, and this exercise 1.2. Question number third. Exercise 1.2. Question number third. You have to what question given? Find the LCM and HCF applying prime factorization method. यानी prime factor आपको कर देना है. 12, 15 एंड 21 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, तो उसके बाद आपको एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ, माने इसमें प्राइम फैक्टर आप पढ़े हैं पिछले पीरियड में पढ़ाए थे. तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा फर्स्ट का. सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है 12, 15 एंड 21. इसके हम फैक्टर करेंगे फर्स्ट 12, 15 एंड 21. तो प्राइम फैक्टर 2 2 4 3 12 लिखेंगे 2 × 2 × 3. फिर 15 का क्या होगा 3 × 5 लिखिए 3 × 5 हो गया 15. ये सब प्राइम फैक्टर है, तो 2 का फैक्टर होगा नहीं. इसका मतलब कि ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए. अब ये 21 जो है 3 × 7 लिखें. 21 मीन्स 3 × 7. अगर फैक्टर नहीं आता तो आप यहाँ कर लेंगे ऐसे 12 का, ठीक है. तो जानते ही जैसे एलसीएम निकालते हैं पासे वैसे. तो ये प्राइम फैक्टर मेथड मैंने इसको जैसे 2 से 6 हुआ, 2 से आपका 3, 3 से 1. तो ये सब होते हैं मेथड, तो आप अप्लाई करिएगा. तो व्हाट इज एलसीएम? फर्स्ट यू आस्क दैट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज नंबर. सो वी हैव टू राइट एलसीएम इज इक्वल. एलसीएम इज जैसे बताए थे मैक्सिमम नंबर आप लिखेंगे इसमें आए हैं. जैसे 2 2 टाइम है 2 × 2 × 3 मैक्सिमम टाइम 1 टाइम है 3 निकाल लेंगे. 3 × 5 × 7 तो 2 2 4 3 12 5 16 और 67 हो गया 420, ठीक है. ये 420 आपका एलसीएम हो गया. फिर अगेन यू हैव been asked that what is SCF. So SCF is equal to, and this will be answer for LCM, and SCF is equal to again. So first you see what is common in this factor. So what is common in this factor? तो हमें 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है. 3 को आप ऐसे मैंने इंगित कर सकते हैं. तो अब हमें जो है इससे फाइंड करना है. तो इससे जो कॉमन होता है, ठीक है, उसी को इससे बोलते हैं. तो इसमें 3 कॉमन है, ठीक है. इसके अलावा कोई भी नहीं, 2 भी नहीं 5 भी नहीं 7 भी नहीं. तो ओनली 3 इज कॉमन. तो ये आपका जो है इससे 3 हो गया और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. देखिए अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस सॉल्यूशन. फर्स्ट यू राइट 12 15 31 सॉरी 21 12 मीन्स 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3. दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15 इक्वल 3 × 5 21 37 21 होता है. तो एलसीएम क्या होगा बताया था. मैक्सिमम नंबर लेंगे इसमें, तो मैक्सिमम नंबर माने 2 2 टाइम है उसको लेंगे. फिर 3 1 टाइम है सब में उसको ले लेंगे. फिर 5 है फिर 7 है. 2 2 4 3 12 5 16 67 420 हो गया. फिर एस सी एफ क्या होगा जो कॉमन होता है. देखिए कॉमन है 3 ये है ना सब में इसको दे देंगे. इसके अलावा कुछ भी नहीं है मैंने एस सी एफ आपका 3 हो गया, ठीक है. अब इसको नोट कर लीजिए. और क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हम बताने जा रहे हैं.
अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहे हैं, इसको मैंने एस सी एफ फाइंड करना और एल सी एफ फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हुआ है उसी तरह 17, 23 एंड 29 बहुत इजी है। सेकंड का है 17 लिखिए, 23 लिखिए, 29 लिखिए, 17, 23, 29। अब देखिए ये सब जो है हमारे इसके प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, हम 17 1 × 17 कर सकते हैं, ठीक है, 1 × आप 17 दे सकते हैं, और ये 23 का 1 × 23 और ये 29 का 1 × 29, तो इसके कोई प्राइम फैक्टर अब बनेंगे नहीं, क्योंकि ये 17 जो है खुद ही प्राइम नंबर है, माने दी जाए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आप जानते ही हैं कि उसके जो है फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इसमें एलसीएम क्या होगा, अब 1 लिखने का कोई जो है मीनिंग नहीं है, तो वी वाइट अवॉइड द टू राइट 1, माने 1 को लिखना जो छोड़ दीजिए, तो ओनली यू हैव टू राइट 17 × 23 × 29 और इसी का मल्टीप्लाई कर। देखिए 17 × 3 = 51, 5 17 × 2 = 34 और 5, 34 और 5 हो गया आपका 39, फिर 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 1 9 3 = 27 एंड 8, 27 और 8 आपका 35, फिर 2 से 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 3 = 6 एंड 1 7, 9 3 13 और ये 11, तो ये हो गया रिजल्ट इसका एलसीएम, मानिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 11,339, 11,339। अब देखिए ऐसी है बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज पूछा है, कैसे आप निकालेंगे ऐसी एफ इक्वल, ये आंसर लिख देंगे। तो ऐसी एफ क्या है, आप देख रहे हैं कि 1 है सब में, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, माने 1 ही है, अगर 1 नहीं भी लिखते हैं तो आप 1 ले लेंगे, तो ऐसी एफ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे आंसर एलसीएम आपका 11,339 एंड एलसीएफ इक्वल टू 1, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हम बताने जा रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि एचसीएफ जो है, माने आपके 2 नंबर दिया, ठीक है, वाले क्वेश्चन को समझ लिया, यानी कि एचसीएफ ये दे दिया है, एस सी एफ आपका यहाँ 9 है, किसका किसका, 306 का और 657 का, मैंने आपको नंबर्स लिखा है, लिखो पहले, गिवेन गिवेन 2 नंबर्स, 2 नंबर है, जैसे कि सवाल मैंने क्वेश्चन क्लियर हो जाए उसके बाद आप चलिए, 306 है, 657 है, 2 नंबर आपको दिया है 306 एंड 657, और आपको एलसीएम भी दिया है, ठीक है, एलसीएम क्या है, मान एलसीएम नहीं एसीएफ, ये आपको एसीएफ दिया है, एलसीएम तो पूछ रहा है, इसका दिया है एससीएफ, क्या दिया है 9, आपसे एलसीएम पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, तो इसमें जैसे कि स्टडी आई रिमेम्बर्ड और आई हैड रिटेन अ फार्मूला, व्हाट फार्मूला, देखिए प्रोडक्ट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ,
या एफ सी एफ इंटू एफ सी एम इक्वल जो बताया था आपको, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपका क्या है फार्मूला, इसी बेस पर इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी नंबर्स हमारे क्या क्या हैं, देखिए 306 है, तो इनटू प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है, 657 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वल टू माने इसी फार्मूले पर बेस्ड है, इसको इस तरह से इंगित कर लीजिए। तो 306 इंटू 657 इक्वल टू एस सी एफ, मैंने एस सी एफ आपको 9 दिया हुआ है, इंटू एल सी एम आपसे पूछ रहा है, तो एल सी एम इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो एल सी एम पूछ रहा है, तो ये 9 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा इधर आपको, मैंने एल सी एम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब देखिए इसको डिवाइड करिए मीन सिंप्लीफाई, तो 9 3 27 3 9 4 जा माने आपके बच्चे 34 इंटू 657। अब ये मल्टीप्लाई आपका, ठीक है, एल सी एम इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा, यानी अब देखिए 657 34, तो 4 7 28 2 22 और ये 6 4 24 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18, 1 19 8 3 13 12, यानी 22,338 आपका ये आंसर होगा। तो पहले इसको फिर से रिफ्रेश करिए, तो देखिए इसमें जो नंबर्स आपको दिए हैं, फर्स्ट यू राइट मैंने 306 और 657 और ये 9 जो है आपका क्या है सी एफ है, ठीक है, दो नंबर का, तो दो नंबर का सी एफ वो 9 हो गया। एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम किसका पूछ रहा है, 306 और 657 का, तो आपको फाइंड नहीं करना है, ठीक है, एक फार्मूला है, डायरेक्ट एलसीएम आप फाइंड न करते क्या करेंगे, फार्मूला बेस्ड अपनाएंगे इस पे। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एस सी एफ इंटू एफ सी एम होता है, इसी बेस पे फार्मूला पे हम मान भरेंगे, वैल्यू जो टू नंबर्स है उसका मल्टीप्लाई इक्वल टू एस सी एम माने 9 और एल सी एम आपसे पूछा है, तो एस सी एम इक्वल टू इसमें डिवाइड हो जाए, एल सी एम के लिए हम डिवाइड करें, 9 जो इधर आ जाएगा, ठीक है, 9 क्या होगा इधर आ जाएगा, तो एल सी एम इक्वल टू 306 अपान इंटू मैंने ये इसमें डिवाइड करेंगे 9 का सीधे, तो 9 4 जा मैंने 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 34 टाइम करता, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो कि रिजल्ट जो है मल्टीप्लाई के रूप में आपका ये 22,338 हुआ, यानी आपका एल सी एम हो गया। अब डायरेक्ट एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, क्या फायदा, जो एक आर्डी क्वेश्चन है अगर इस तरह नहीं करें तो आपका कोई आंसर जो सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, अगर डायरेक्ट आप एलसीएम फाइंड करते हैं तो इस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर जो है 6, 6 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई
सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन एंड सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव आर कंपोजिट नंबर, ये आपको शो करना है या एक्सप्लेन कैसे, बताइए कि कैसे कंप्लीट नंबर आपके हैं। तो फर्स्ट यू राइट, क्या राइट करेंगे देखिए कि मैंने इसका रिजल्ट आप जानिए क्या होता है, सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन, और इसमें देखिए कॉमन जो है थर्टीन है, थर्टीन को निकालिए बाहर, ये सेवन इंटू इलेवन इंटू वन और ये प्लस वन, मैं थर्टीन से आप डिवाइड कर दूँगा तो थर्टीन इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई करिए इतने का, 77 77 और प्लस वन 78, और इसका मल्टीप्लाई करिए देखिए 78 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 24 टू और ये 321 और टू 23 8 7 4 1 और ये आपका 10 हो जाएगा, 10 14 हो जाएगा, ठीक है 10 14 हुआ और प्लस 1 10 14 प्लस 1, इसका मतलब हाँ एड करिए 10 15, ठीक है। फिर अब दूसरा नंबर जो ये दिया है इसको लिखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए इसमें क्या है कॉमन, कॉमन आपका 5 है निजी बात, तो 7 सेवन इंटू सिक्स, अब ये वन हो जाएगा या नौ भी लिखें तो बात काम चल जाएगा क्योंकि फाइव जो आउट हो गया कॉमन है, तो इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस वन, फाइव को डिवाइड किए हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फाइव इंटू, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना होगा इतने का और इसको वन को ऐड करना होगा, तो सेवन से जो 42 42 हुआ, 42 लिखिए और ये आपका क्या हुआ, फोर से जो 12 हो जाए 24 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर से जो 8 फोर फोर 16 टू टू जो 4 टू फोर एट एट जीरो जीरो मन टेन और ये प्लस वन भी है, मैंने आपका 1009 1009 हुआ, 18 करने के बाद मल्टीप्लाई करिए 5 × 45 ये 4 0 और ये 5, तो हम देखते हैं दोनों नंबर जो है 10 मान ये आ गया 1015 आ गया और ये 5045 आ गई, ये दोनों नंबर क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज प्राइम फैक्टर, जैसे कि मान दिस बोथ है प्राइम फैक्टर, मान इसके प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे, तो हम देखते हैं आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखना पड़ेगा कि सिंस 10, 15 and 5045 आर या है लिखिए है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर
So these are composite numbers. प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए फिर से इसका रीजन क्या है कि फर्स्ट यू राइट वार्ड नंबर गिवन एच 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें हमारा कॉमन क्या है 13 बाहर ले लेंगे, ठीक है। जो उसके बाद बचता है नंबर हम लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 1 कर सकते हैं या ना भी करें कोई बात नहीं, क्योंकि 13 कॉमन है, डिवाइड किए हैं तो 1 टाइम आया है और प्लस ये 13 माने 1 टाइम आएगा। तो आगे क्या होगा प्रोसीजर, 13 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 77 एंड प्लस 1 जो है 78 हो गया। आफ्टर ही यू हैव टू बी मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई में आपको 180 करना है तो 1015 हुआ। उसके बाद जो आधा नंबर हमारा दिया है शो करने के लिए, कंप्लीट नंबर क्या है शो करिए कैसे है, ये नंबर को उतारेंगे, दीगर नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 14 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें हमारा कॉमन क्या है 5, देखिए यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, इसको उतारेंगे। 5 हो गया आउटसाइड जो कॉमन होता है, फिर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर ये 5 में 5 का डिवाइड हुआ तो 1 टाइम होगा, 1 लिखेंगे। आफ्टर ये इक्वल टू 5 इंटू इसका रिजल्ट क्या होगा तो 1009 हो जाएगा, इसमें ये मल्टीप्लाई होगा इतने का, ठीक है। और फिर 1 8 कर देंगे, देखिए जहाँ की यहाँ पर हुआ है 1008 हुआ प्लस 1 1009 हुआ, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करिए 5045। तो हम देखते हैं कि ये प्राइम मानी इसके प्राइम फैक्टर इसके भी निकलेगा, ठीक है, इसका भी प्राइम फैक्टर निकलेगा कुछ, इसके प्राइम फैक्टर निकलेगा कुछ। तो जिसका प्राइम फैक्टर निकल गया वो कंपोजिट नंबर हो गया, नहीं तो प्राइम नंबर्स का गलत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं सिंस वन थाउजेंड, ये जो नंबर लिखा है 1015, 1015 ये सही से लिखे हैं, और ये 5045 ये क्या है प्राइम नंबर्स इसके होंगे, इसलिए मैंने सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी हैव बीन वी वॉन्ट टू बी इंकरेजेस विद यू इफ यू सब्सक्राइब मोर एंड मोर एंड इफ यू वेयर इफ यू एनी कंफ्यूजन, मैं आपको कोई कंफ्यूजन है तो आस्क एंड कमेंट, ठीक है, कमेंट भी करिए ताकि हम लोग आपको अच्छे ढंग से समझा सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 क्या है, इकॉल है कि मैंने एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार सर्कुलर पाथ है, उसमें जो है सोनिया जो 18 मिनट उसको चक्कर लगाने में टाइम लगाती है लेती है, और रवि जो है उसको 12 मिनट्स चक्कर लगाने में टाइम लगाता है। तो अगर वे एक संग माने दोनों एक संग स्टार्ट करें तो कितने समय बाद वे एक संग होंगे, ठीक है, इसका मतलब देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं डायरेक्ट, सॉल्यूशन में टेकन टाइम बाय सोनिया 18 मिनट्स, अगेन रवि
सेकेंड टाइम बाय रवि इक्वल टू 12 मिनट्स, माने ये जो है 12 मिनट्स का टाइम रवि लेता है वन कंप्लीट चक्कर लगाने में, फिर जो है सोनिया जो है 3 मिनट्स का टाइम लेती है। तो इसमें कह रहा है कि एक संग वे कब एक संग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कम से कम पूछा है, यानी एलसीएम आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप लिख लीजिए 18 इक्वल टू और ये 12 इक्वल टू, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका फैक्टर हो गया, फिर एलसीएम क्या होगा देखिए, 2 जो है वन टाइम है, देखिए अब 2 ये एक्स्ट्रा है, इसको भी लिखेंगे 2, माने जो मैक्सिमम उसी को लिखता है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, काम करता है जो मैक्सिमम टाइम है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12 3 या 36 मीना, ये हो गया आपका 36 मिनट। आंसर होगा आपका आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। नोट कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखिए फिर से इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो टेकिंग टाइम बाय सोनिया जो है 3 मिनट है, फिर टेकिंग टाइम बाय रवि जो है 12 मिनट है टू कंप्लीट वन। तो इसको जो है कह रहा है कि एक संग वे कब एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसका कम से कम माने आप निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे, क्वेश्चन को समझने से मन समझिए पा रहे हैं, एलसीएम नहीं निकालेंगे बल्कि कम से कम जो टाइमिंग है वो निकालना है। तो इस कम से कम के लिए एलसीएम फाइंड किया जाता है। तो 18 का निकाल लीजिए फैक्टर, प्राइम फैक्टर 12 का निकालिए, उसका एलसीएम जो है मैक्सिमम नंबर 3 मैंने मिल रहा है, मैंने इसमें 2 मिल रहा है, देखिए 2 इंटू 2, तो इसके 2 की कोई जरूरत है नहीं, आप मैक्सिमम नंबर लिखें 2 इंटू 2, फिर ये 3 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 मिनट्स, आंसर हमारा होगा आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। 36 मिनट के बाद चलते चलते वे दूसरे से मिलेंगे।